अब तक आपने देखा? लकिया में शादी खाना चाहते हैं। यो जो ब्याह का फैसला से ना, यो तो रघुवीर भाई की कस है। और थारे को उस फैसले की इज्जत करनी से। इस लोहे के छल्ले को सोने की अंगूठी में बदल दूंगी एक दिन। वाह कोमल बिटिया वाह, तेरी इन्हीं बातों ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं अगर चिराग लेकर भी बाहर निकलूं ना, तो थारी जैसी बहू मेरे को मिल ही नहीं सकती। ये देखो, इसे कहते हैं हरियाणवी सगाई। क्यों भाई साहब? हाँ। अब आगे। भाई शुभ काम में मीठा मुंह कराना तो बनता है, चलो करवा एक दूसरे का मुंह मीठा। भाई तो इसे शर्मारे हो, जैसे कदा इनते मिले ही ना हो। तुम छोरे हो के इसे शर्माओगे तो मिठाई ना मिलने वाली फिर। लाखा भाई, ये सगाई सबको मुबारक हो। अब कल सबसे पहले बन बहने की रस्म होगी, यानी कि गणेश पूजन की, और पीठी की रस्म उसके साथ ही हम कर देंगे। और मुहूर्त के अनुसार बाबी परसों बच्चों का ब्याह भी हो जाएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, ब्याह का बहुत सारा काम बाकी है, बहुत तैयारियां करनी है। अब आप सबसे हमारी मुलाकात शादी के मंडप में होगी। हाँ जी नमस्ते। जीती रहे बेटा, खुश रहे। आओ लखा।
शरीफ, खुशी की बात है तो खुश हो ना, बावली क्यों हो जा रही है? माँ जी, मैं तो आज बावली हो जाऊंगी खुशी से, बड़ो तेरी सगाई होगी। अरे जमुना जीजी, सही तो कह रही है पायल, अब खुशी का मौका है जीजी, और इस खुशी के मौके पे आप लोगों के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है। अब देखो ना, दोनों छोरियों का एक ही घर में ब्याह होने वाला है, एक ही मंडप में फेरे भी होने जा रहे हैं, तो क्यों ना सारी रस्में एक ही साथ मना ली जाए, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब बन भी आना और पिट्ठी लगाना कितनी बड़ी रस्म है, तो साथ में ही मिलके कर लेंगे, के कहती हो जीजी? मौसी, आप भी के निपटारा करने बैठ गई, अभी तो सगाई हुई है, मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो, यो सब बातें तो होती रहेंगी, है ना? अम्मा जी जरा अंदर आ जाओ ना। आते हैं जी, आते। हे भोले भंडारी, आपकी कृपा से सगाई तो होगी मेरी लक्की से, इब आगे आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी यो सब भी आपने ही संभालना सर। बड़ो, कौन से सोच विचार में खो गई तू? मैं तो बस सोच रही थी कि बिमला मौसी सही कह रही है, दोनों रस्में एक साथ करनी चाहिए हमें। जितनी रस्में निभानी है तुझे निभा ले मोटी, क्योंकि जीवन भर तो लकी का साथ मैं ही निभाने वाली हूँ। कुछ भी कर ले तू, शादी तो लकी के साथ मैं ही करूंगी। पिंकी, तू के सोच विचार में खोगी? कुछ नहीं, बस योगी तू सही कह रही थी, दोनों की रस्म एक साथ ही होनी चाहिए। अरे बहू, के बात से चाय नाश्ता मारे से बनवाना है के? माँ, मैं उस पे घर का जहर ना बर्बाद करूं, आप चाय बनाने की बात कर रही हो? आपने यहाँ इसलिए बुलाया है, बेटी की शादी की खुशी में ना बहुत बही जा रही हो आप, आपकी खुशी पे लगाम लगाने बुलाया आपने यहाँ। इबले भी जैसे बातें ना बना, बता के पास साफ साफ बोल। माँ, साफ साफ उसने जाके बोल दो कि बन बिहाने की और पिट्ठी लगाने की रस्म हम अलग अलग करेंगे, बस। क्या कह रही है बहू तू? हाँ, दोनों छोरियां एक ही दिन एक ही मंडप में एक ही घर में ब्याह के जा रही हैं, दोनों के रीति रिवाज एक साथ ही होंगे, तो तने क्या ऐतराज से? माँ, पानी भरना इसमें। माँ अपना बहुत भोली हो, आपने पता है बिमला क्यों यो दोनों रस्म एक साथ कराना चाहती है? ताकि सारा काम हम करें और वो आराम से बैठी रहे। थारे दिमाग को ना कोई ना समझ पावे, मारे तो बस की बात ना से। उस दिन तूने क्या किया था कि कोमल को घी के डब्बे के बदले में गदा मजदूरी करवाई थी उनके घर में, अब यो के रंग पकड़ लिया तूने? माँ, पुरानी बात लेके क्यों बैठ गए? बखत बखत की बात होवे है, बखत बदलते देर ना लगती, और यो बखत हमारे लिए बहुत ही नाजुक है। अब मैं बिमला मौसी की बुरी छाया बड़ों के ब्याह में पड़ने ना दूंगी, बस। तो उसने बोल दो कि यो रस्म अलग अलग होंगे। योगी एक ही नींबू छोड़े जा रही है, नींबू वाली चाय बनाएगी के? मैंने तो सोचा दूध वाली पिलाएगी। माँ, इतने रिश्तेदार ना हुई वो हमारी, जो पायल उसके लिए चाय बनाए, पूछे तो बोल देना दूध फट गया था, दो चार दिन के नींबू पड़े थे, शरबत बना देती हूँ। तो नींबू पानी पिलाना चाहे ना, तो नींबू तो निचोड़, एक ही नींबू की निचोड़ निचोड़ के तूने जान निकाल दिया। माँ, बिमला मौसी को आपने जवाब नहीं दिया, दोनों रस्में एक साथ कर ले। बिमला, मारे को थारा सुझाव तो बहुत अच्छा लागे से, मगर मारा मान चाहे कि यो दोनों रस्में अलग अलग हो तो ही अच्छा। ये बात कर रही हो माजी? वो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए, तो जाने हमारी हैसियत, और वैसे भी
मारी इतनी रिश्तेदारी नास है और हम चाहें कि यो रस्म जितनी सादगी से हो उतना अच्छा है। बिमला तू तो बहुत ही सानो सौकत के साथ निभाएगी रस्में, खूब रिश्तेदारी आएगी, पर माफ करना मैं इतनी खातरदारी ना कर पाऊं, तो बेहतर है कि दोनों रस्में अलग अलग हो तो अच्छा। बाकी दोनों छोरियों को एक ही मंडप में एक ही साथ बैठना से ना। ठीक है जमुना जी, जैसी थारी मर्जी, तो चलते हैं फिर हम। चलो रिंकी पिंकी। कोमल सब ठीक है ना? पहलवान जितना पा ढंग से दबा नहीं रही, तेरे हाथों में जान ना है के? ठीक से दबा, हाथ तो खड़े खड़े पा कट के मारे, ढंग से दबाना दिखता ना तुझे, दबा दबा। किसका आ गया? हेलो, नमस्ते समधन जी, मैं आपकी होने वाली बहू पिंकी की माँ बोल रही हूँ। हाँ बिमला, मेरी याद क्यों करा गई तने? अरे समधन जी, आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा, तो याद तो आएगी ना। पर के करूं, काम काज में फुर्सती ना मिली बात करने की। और इब तो बन भी आने और पिट्ठी लगाने की रस्म भी अलग अलग हो रही है ना, तो बस उसी के इंतजाम में जुटी हुई हूँ। अलग अलग रस्म कर रहे हो? अब के बताऊ समधन जी, आपके इतने बड़े परिवार में हमारी छोरी का ब्याह होने जा रहा है, तो फिर रस्में और सारा काम काज उसी हिसाब से करना पड़ेगा ना। इसीलिए उस हिसाब से सारी तैयारियों में लगी हुई हूँ। अब हमारी छोरी तो कह रही थी कि सारे रिश्तेदारों को बुलाओ, और हमारा मन भी यही कर रहा है कि सारे रिश्तेदार आवेंगे तो हमारी छोरी को बड़ों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अब रोज रोज तो ना होती ना शादी ब्याह, पर के बताऊं समधन जी। अब जमुना जी जी को कौन समझावे यो बात, उन्होंने तो भाई यो कह के पल्ला झटक दिया कि भाई बिमला तू अपना देख ले और हम तो अपने छोटे से आंगन में ही सारी रस्म निपटा देंगे। खैर चलो कोई बात ना, अब हम तो कुछ ना कर सकते ना, जैसी उनकी मर्जी भाई। अब हमने तुम्हारे बच्चों को बचपन से यो ही समझाया है कि भाई साथ में मिलजुल के रहो, उसी में सबकी खुशी है। और मैं भी तो यही चाह रही थी कि साथ में मिलजुल के करते तो कितनी खुशी होती। माँ, चाची आप सबने बुला रही हैं आरती के लिए। बिमला बस नो ऐसा संस्कार देती रहो तो पिंकी को। अब मैं फोन रखू हूँ, मने जाना से है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। बिमला रानी, तीर तो निशाने पे छोड़ दिया तने, इब देखो कि लगता कहाँ पे है। पिंकी क्या हो गया छोरी, क्यों परेशान सी घूम रही है? अरे थारा तो इतने बड़े खानदान में रिश्ता तय हो गया, तुझे तो खुश होना चाहिए, क्या मुंह लटका के घूम रही है परेशान सी? अरे कुछ नहीं माँ, वो के है ना, मैं अपने उसे के कहते हैं जानने वाला होता है, फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में, हमारा मतलब है ससुराल के बारे में सोच रही थी। तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना है, मैंने सब सोच समझ लिया है,
और उसके हिसाब से इंतजाम करना भी शुरू कर दिया। तू तो बस अपने ससुराल में जाके राज करना। और हाँ, यो बात कभी ना भूलना कि तू उस घर की बड़ी बहू है और थारी वो जो सास है ना कमला, उसकी जी हजूरी में तो जरा सी भी कसर ना छोड़ना। और उस मोटी बड़ो, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ना है, उससे तो अच्छे से मजूरी कराना। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो छोरी, कि अपने पति को खूंटे से बांध के रखना। अगर थारा पति थारे काबू में रहा ना, तो थारे ससुराल में थारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दूसरी बात, थारी सास कमला, उसका विश्वास अपने ऊपर से कभी ना उठने देना, क्योंकि थारे ससुराल में वही थारा सुरक्षा कवच है। देख छोरी, अगर थारा पति थारे पल्लू से बंध के रहेगा और थारी सास थारी मुट्ठी में रहेगी ना, फिर तो तेरी ऐसी ऐसे तेरा ही हुक्म चलेगा उस घर में। चल अब ज्यादा ना सोच, मैं जरा काम निपटा लेती हूँ, ठीक है? जिसे पल्लू से बांधना चाहती हूँ वो तो किसी और के बोझ तले दब गया है, और जिसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ वही मारे पीछे लगा हुआ है। तू बाहर जाएगी और खुद इस सगाई के लिए मना करे कि मैं ये सगाई ना तेरे साथ नहीं कर सकता। लकी भी मने मिलने आया था, वो मेरे से ब्याह नहीं करना चाहता। औरतों का जो जीवन हुए से ना, उसका अर्थ है बलिदान और त्याग। माँ जी, कीमत तो प्यार की होती है, सामान की ना होती। इस लोहे के छल्ले को सोने की अंगूठी में बदल दूंगी एक दिन। छोरी, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा से इस समय का तो पता ही ना चल। इब तू ही देख, दो दिन के बाद तू ससुराल चली जावेगी और हमारे पास दो मिनट का वक्त ना है थारे पास बैठने के लिए। मेरे जान के बाद तो अपना ख्याल रखेगी ना? मारी चिंता छोड़, तू बोल, तू तो खुश है ना? कोई दिक्कत या परेशानी तो ना है? ऐसा कुछ ना सर। कोमल, अपने ससुराल जाकर ना किसी से भी तू तड़क करके बात मत करियो। जैसा वो बोले वैसा करे, किसी को शिकायत का मौका मत दियो। जैसा मेरा ख्याल रखती है ना, वैसे वहां सबका ख्याल रखियो। तू मेरी बिल्कुल चिंता ना कर। जब तू मां बनेगी ना, तब थारे को मां के दिल का दर्द समझ आवेगा। बच्चे कितने भी बड़े और समझदार क्यों ना हो जाए, माँ उनकी चिंता करनी कभी नहीं छोड़ती। यो तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा से
यो थारे को इतना अच्छा ससुराल मिला लाखा है ना, बहुत ही अच्छा और समझदार छोरा से। और रघुवीर भाई जी भी थारे को बाप से भी ज्यादा प्यार करे, तू वहां बहुत खुश रहेगी, यो मारे को पूरी खातरी से। इब तू किसी तरह की कोई चिंता ना। अरे माँ, मैं चिंता नहीं कर रही, तू कब से चिंता करी जा रही सर। इब जल्दी मने एक जोरदार झप्पी दे दे बस।